आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम द टॉपिक पैसेज कॉम्प्रिहेंशन नाउ द पैसेज वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 नोटिफाइड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरस्ट हाव द पोटेंशियल टू टर्न आउट ग्रोइंग प्रॉब्लम इन डोअर डिवेल्पमेंटल अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पर क्या बोला गया कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के पास एक पोटेंशियल है उनके पास एक मौका है कि ग्रोइंग प्रॉब्लम मतलब बढ़ती हुई प्रॉब्लम को वो चेंज कर सकते हैं डेवलप डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटी में मतलब डेवलपमेंट ला सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी पे लिए उन्हें विद ऑलमोस्ट हाफ ए यर टू गो बिफोर द रूल्स टेक अफेक्ट

एंड हेल्थ कॉस्ट एसोसिएटेड विद इंडिया हाजड इज वेस्ट रीसाइक्लिंग इंडस्ट्री इफ इंडिया कैन अचीव अ ट्रांसफॉर्मेशन इट विल बी क्रिएटिंग अ होल न्यू एम्प्लॉयमेंट सेक्टर दैट प्रोवाइड गुड वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन फॉर टें थाउजेंस तो इसका नतीजा क्या होगा एम्प्लॉयमेंट लेके आएगा राइट जिसमें लोगों को अच्छे वेजेस मिलेंगे और अच्छे वर्किंग कंडीशन मिलेंगे बहुत सारे लोगों के लिए द लेगसी रिस्पॉन्स ऑफ द

गीले कूड़े को सूखे कूड़े को जिसके वजह से हम एफिशेंटली रिसाइकल कर पाएंगे वेस्ट को अ वेलकम फीचर ऑफ द न्यू ई वेस्ट रूल्स इज एज ऑन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस बार ये नया रूल क्या है बेसिकली उसमें एन्फोसिस मतलब फोकस किस पे किया गया है प्रोड्यूसर्स रिस्पांसिबिलिटी को कि जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको वेस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा इन अदर वर्ड्स प्रोड्यूसर्स मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्पोजल ऑफ एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट्स For this provision to work, they must ensure the consumer who sells crap to get uh, some form of financial incentive. Ki agar koi crap jo matlab waste incentive The e waste rules which derive from the pertaining hazardous waste are scheduled to come in force on May 1, 2012. Sounds as they are, the task of scientifically disposing a few hundred thousand tons of trash electronics. Annually depends heavily on a system of oversight by state pollution control board. Unfortunately, most PCBs remain unaccountable and often lack the resources for active enforcement. It must be pointed out that although agencies handling e-waste must obtain environmental clearances, authorized and registered by the PCBs, even under the hazardous waste management handling and transboundary movement rules, 2008.

कि जो बेसिकली पी सी बीज है वो अकाउंटेबल नहीं होल्ड किए जाते जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्रिएटिंग क्लियरली द फर्स्ट ऑर्डर प्रायोरिटीज टू क्रिएट अ सिस्टम दैट विल अब्जॉर्व द स्ट्रॉग वर्क फोर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर टू द प्रोपोन्स स्कीम फॉर साइंटिफिक रिसाइकलिंग फैसिलिटीज मस्ट बी क्रिएटेड टू अपग्रेड द स्किल्स ऑफ दिज वर्कर्स थ्रू ट्रेनिंग एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ मस्ट बी इंश्योर्ड तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एक तो इंश्योर करनी होगी प्लस उनको ट्रेनिंग देनी होगी जो लोग काम करते हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज टूडे मतलब रीसाइकिल करना वेस्ट को बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है इन सच अ टाइम वैन ग्लोबलाइजेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर ग्रोइंग एट अ ग्रोइंगेस्ट विच ओनली बी इमेजन फ्यू ईयर्स बैक ई वेस्ट एंड इट्स हैव बिकम मोर प्रोमिनेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एरिड शुड बी गिवन इमीडिएट अटेंशन कि बहुत ज्यादा जरूरत है ई e वेस्ट को ध्यान देने का नाउ द क्वेश्चन इज वॉट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज इम्पोर्टेंट नाउ फॉर ई वेस्ट मैनेजमेंट कि ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अब क्या ज़रूरी है ऑप्शनस आर मेकिंग रूल्स रिव्यूइंग रूल्स इम्प्लीमेंटिंग रूल्स एंड नोटिफाइंग रूल्स तो यहाँ पे हमें रूल्स के बारे में बताना है कि या तो हमें नए रूल्स बनाने पड़ेंगे या तो उन्हें रिव्यू करना पड़ेगा कि वो रूल सही है या नहीं या तो उनको एक्चुअली यूज करना पड़ेगा उनको लगाना पड़ेगा हम डेली लाइफ में अपने एक्शन में उसको इम्प्लीमेंट करें मतलब यूज करें या फिर नोटिफाई करें कि लोगों को नोटिफाई करें कि ये रूल्स हैं सो द बेस्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी दैट इज इम्प्लीमेंटिंग मतलब जो रूल्स हैं उनको एक्चुअली में यूज करना होगा जो ई वेस्ट मैनेजमेंट में अभी नहीं हो रहा तो दिस विल बी द आंसर नाउ वी कम टू द सेकेंड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ इफेक्टिव ई वेस्ट मैनेजमेंट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम ई वेस्ट मैनेजमेंट ढंग से करते हैं तो हमें एक और कौन सा एडवांटेज होगा ऑप्शन आ इंडिया कैन गाइड अदर कंट्रीज इन डूइंग सो इट विल प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इट विल प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन इट विल क्रिएट अ न्यू एम्प्लॉयमेंट सेक्टर तो थ्रू आउट द पैसेज वी डेंट रीड अबाउट कि बाकी कंट्रीज को कैसे इफेक्ट होगा या फिर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी या तो इंटरनेशनल इंटीग्रेशन होगा मतलब इंडिया एक साथ आएगा But we have only read about the employment sector ki or employment vadiga. Right. So the answer is it will create new employment. Create a new employment sector.

सॉलिड वेस्ट एंड ई वेस्ट ई वेस्ट एंड ई प्रोडक्शन तो हमने दो चीजें देखी थी एक तो हाउ पीपल डिस्पोज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट राइट एंड हमने देखा था प्रोडक्शन का जो वेस्ट होता है दो टॉपिक्स पे बात हुई हमारे पूरे पांसेज में सो so, हमारा आंसर क्या होगा ई वेस्ट एंड ई प्रोडक्शन सो द आंसर इज ई वेस्ट एंड ई प्रोडक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई वेस्ट रूल्स है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट तो यहाँ पैसेज में कहीं पर भी पीसी वेस्ट के बारे में बात नहीं हुई कम्प्यूटर वेस्ट के बारे में भी बात नहीं हुई और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के बारे में भी बात नहीं हुई बात हुई है हाजडस वेस्ट की सो आंसर यप्शन ए दैट इज हाजडस वेस्ट as we can see here only decisive action can reduce the pollution and health costs associated with india's hazardous waste recycling industry right so we're talking about hazardous waste now the next question is which of the following will help implement both sets of rules ki jo do sets of rules hai matlab e waste aur e production दोनों को हमें dispose सही तरह से करना है वो कौन सी चीज़ हम help करेगा हमें implement करने में Options are employment opportunity, international collaboration, financial incentive and segregation of waste at source. तो यहाँ पे employment opportunity तो advantage है, right? तो ये हमें implement करने में help नहीं करेगा. International collaboration was nowhere mentioned in the passage. Again, financial incentive की भी बात नहीं भी थी. तो हमारा answer क्या होगा option D that is segregation मतलब जो सूखा वेस्ट है और जो गीला वेस्ट है उसको अगर हम सोर्स में ही सेग्रीगेट कर दें तो वो हमें हेल्प करेगा कि हम दोनों वेस्ट को एक बारी में सही तरह से इम्प्लीमेंट करें और उसको डिस्पोज करें सो दिस विल बी द आंसर सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स ई वेस्ट रूल्स केम इन टू फोर्स फ्रॉम ऑप्शन आर टू थाउजेंड एट टू थाउजेंड नाइन टू थाउजेंड टेन एंड टू थाउजेंड इलेवन सो लेट्स लुक इन द पासज तो यहाँ पे हम फर्स्ट सेंटेंस भी देख सकते हैं द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स टू थाउजेंड इलेवन सो हमारा आंसर क्या होगा टू थाउजेंड इलेवन दट इज ऑप्शन डी सो आंसर हियर इज ऑप्शन डी दैट इज टू थाउजेंड इलेवन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फ्रेज विच बी इमेजिन फ्यू इर्स बैक एज यूज इन द पैसेज तो जैसे पैसेज में लिखा हुआ है

Then, it. Which of the following is true in the context of the passage? No city dumps its waste in lakes. Some cities burn garbage. PCBs have adequate resources for active enforcement. E-waste was a much bigger challenge in the past. तो क्वेश्चन पूछा गया हमें इनमें से सही ऑप्शन बताने जो सच है अकॉर्डिंग टू द पासेज तो यहाँ पे लिखा है नो सिटी डम्प्स इट्स वेस्ट इन लेक्स मतलब कोई भी सिटी लेक्स में अपना सामान डंप नहीं करती तो ये तो झूठ है ये पासज में लिखा था वी रेड इट सम सिटीज़ रेडिट गारबेज मतलब अपना गारबेज वो जलाते हैं जो बात सच है जो पैसेज में लिखी है हैव पीसीबीज रिसोर्सेज फॉर एक्टिव एनफोर्समेंट ये पासज में नहीं गिवन ई वेस्ट वॉज अ मच बिगर चैलेंज इन द पास्ट ये भी पासज में नहीं गिवन सो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन बी दैट इज सम सिटीज बर्न गार्बेज मतलब वो अपना कूड़ा जला देते हैं ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट पास इनमें से कौन सी बात सच नहीं है सम फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव इज फॉर द प्रोड्यूसर्स सम फाइनेंशियल इंसेंटिव इज रिक फॉर द कंज्यूमर्स ई वेस्ट विल बी अ फ्यू हंड्रेड थाउजेंड द एजेंसी इज हैंडलिंग ई वेस्ट हैव टू एनवायरमेंटल हैसेज तो जो कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स हैं जो अपना वेस्ट बेचते हैं स्क्रैप के तरह से तो उनको इंसेंटिव मिलेगा ये हमने पैसज में पढ़ा था राइट सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए दैट सम फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव इज रिकमेंडेड फॉर द प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स की ये ऑब्लीगेशन है कि उनको करना पड़ेगा उनको कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा इंसेंटिव किसको मिलेगा कंज्यूमर्स को तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए दैट इज सम फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव इज रिकमेंडेड फॉर द प्रोड्यूसर्स ये रिकमेंड नहीं करी गई है बात एज वी कैन सी हियर फॉर दिस प्रोविजन टू वर्क दे मस्ट इंश्योर दैट कंज्यूमर्स स्क्रैप गेट सम फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव कि जो कंज्यूमर्स है वो अगर स्क्रैप बेचते तो उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा नॉट टू द प्रोडूसर्स सो द आंसर इज ऑप्शन ए ना इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्लियरेंस तो हम यहाँ पे पैसेज में देख सकते हैं लिखा हुआ है इन्वायमेंटल क्लियरेंसेज सो वॉट इज द क्लियरेंस मीन हमारे पास ऑप्शंस क्या गिवन है यहाँ ऑप्शंस हैं क्लीनिंग परमिशन सेल एंड रेमेडी अब हम यहाँ पे पैसेज में देखते हैं क्लियरेंस कहाँ लिखा है सेंटेंसेस इट मस्ट बी पॉइंटेड आउट दैट ऑल दो इज हैंडलिंग वेस्ट मस्ट ऑब्टेन इन्वांज एंड बी ऑथोराइज एंड रजिस्टर्ड बाई द बी सी बीज तो इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस यहाँ पे क्लियरेंस का मतलब क्या बनेगा कि परमिशन लेना कि उनको अलाउड है कोई चीज़ करना राइट right? क्लीनिंग मतलब होता है साफ करना सेल मतलब बेचना रेमेडी मतलब ठीक करना सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी दैट इज परमिशन इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड क्लियरेंस अब हमें टर्न वर्ड का सिनोनिम ढूंढना है ऑप्शन है थ्रो चांस सेंड एंड ट्रांसफॉर्म थ्रो का मतलब होता है फेंकना चांस का मतलब होता है मौका सेंड का मतलब होता है भेजना ट्रांसफॉर्म मतलब का मतलब होता है बदलना राइट सो वी कैन से टर्न एंड ट्रांसफॉर्म आर सिनोनिम्स बिकॉज टर्न का मतलब क्या होता है या तो मोड़ना या तो किसी और चीज में बदलना राइट right? सो so हमारा आंसर होगा ट्रांसफॉर्म बिकॉज ट्रांसफॉर्म का मतलब भी होता है बदलना अब इस वीडियो में हम के पोटेंशियल का सिनोनिम ऑप्शन इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड पॉसिबिलिटी पोर्शन पोर्शन मतलब होता है हिस्सा पॉसिबिलिटी मतलब जो चीज़ें हो सकती है उसके होने की चांसेस राइट right? तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा इंटेलिजेंस मतलब कोई कितना होशियार है एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है कि किसी इंसान में कितना ज्यादा पोटेंशियल है कि वो ये चीज कर सकता है ओनली इफ ही एक्चुअली ट्राइज टू तो पोटेंशियल एंड हैव सिमिलर मीनिंग्स, इज एप्टीट्यूड अब हम ढूंढेंगे फीजिबल का एंटोनिम मतलब ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड ऑप्शन आर अनअटेंडेड फिजिकल प्रैक्टिकल अनवायबल अनअटेंडेड मतलब जिसको हमने ध्यान नहीं दिया हो ओवरलोक्ड राइट फिजिकल मतलब उसके मटीरियलिस्टिक एट्रीब्यूट उसके दिखने में वो कैसा दिख रहा है उसको बोलेंगे हम फिजिकल प्रैक्टिकल मतलब जो चीज़ करने लायक है जो हम वॉक कर सकते हैं जिस चीज़ पे अनवाइबल का मतलब क्या होता है अनवाइबल का मतलब होता है जो चीज़ हो नहीं सकती जो चीज़ फीजिबल नहीं है जो हमारे जिस चीज़ को हम अफोर्ड नहीं कर सकते जो सक्सेसफुली हो नहीं सकता उसको हम बोलेंगे अनवाइबल नो फीजिबल मीन्स जो हम कर सकते हैं तो उसका एंटोनिम क्या होगा अनवायबल सो द आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज अनवाइबल नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज इन जिसका हमें एंटोनिम ढूंढना है ऑप्शन आर इंटरेस्ट डिफरेंस इग्नोरेंस रूल बाउंड रूल बाउंड का मतलब क्या होता है बहुत ही स्ट्रिक्ट होना इग्नोरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को अनदेखा कर देना डिफरेंस का मतलब होता है दो चीज़ों में हमें अलग अलग देखना चीज़ों को मतलब भेदभाव करना इंटरेस्ट मतलब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा हमें इंटरेस्ट हो जिसको हमें करने में मज़ा आए तो हम उसको करने के लिए उतावले होते हैं राइट इन का मतलब क्या होता है कि किसी को कोई फर्क ना पड़ना तो आंटरेम क्या होगा ऑप्शन ए दैट इज़